हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली रेसिपीज एंड फन बास्केट। आज का रेसिपी है सिंपल मसूर की दाल, जो बंगाली स्टाइल में मैंने बनाया है। तो रेसिपी पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। और मैंने 2-3 दिन पहले बहुत बढ़िया सा एक रेसिपी अपलोड किया है, थोड़ा इनोवेटिव है। मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे कुकर में मैंने 100 ग्राम के करीब मसूर की दाल ले लिया, रेड लेंटिल्स। तो उसको पानी दे के, जैसे हाफ कप लिया तो आप 2 कप पानी डालिएगा। फिर हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के एक ही हुईसल लगा लेंगे। फिर देखिए दाल कैसे अच्छे से गल गया है। अभी ये दाल ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा गर्म पानी हम लोग मिला लेंगे। थोड़ा सा करछी चला लिया, जैसे दाल अच्छे से मैश हो गया। अभी फिर से हम लोग तेल देके 5 फोरन लगा देंगे। वो बंगाली में सारे, जैसे मेथी, जीरा, कालनजी और सरसों, सारे को मिला के 5 फोरन बोलते हैं, वो डाल दिया। और हाफ ओनियन को अच्छे से बारीक काट के डाला, और ड्राई रेड चिल्ली, तेज़पत्ता और 1 टमाटर को बड़े बड़े क्यूब साइज में काट के थोड़ा सा देर चला के फिर हमारे दाल डाल दिया। और हमारे बंगाली वाला दाल थोड़ा उबलने देंगे 5-7 मिनट तक, या तो 10 मिनट तक। ऊपर से डाल देंगे धनिया का पत्ता, और ये दाल बिल्कुल तैयार हो गया। और बहुत मज़ेदार दाल है, अब बना के देखिएगा, साथ में राइस और ऑमलेट हो जाए तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो दोस्तों, रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, और जो नया है मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।